तेरे बिना गुजारा है मुश्किल। आज भी ख्याल सोने नहीं देता। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। इस तरह का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स पर। अगर आप भी बनाकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दूँ तो आपका वीडियो 100% वायरल हो सकता है। तो इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए आपको VN एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उसे ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और इसमें आपको ये वाला वीडियो एडिट कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ओरिजिनल पर क्लिक करना है, यहाँ से 9x16 वाला रेशियो सेलेक्ट करना है और आपको ये बंद कर देना है। इसके बाद में वीडियो क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको इसका ऑडियो साउंड बंद कर देना है। ये वीडियो लेयर आपको 7.10 सेकंड पर स्प्लिट कर लेना है। तो यहाँ पर आना है आपको 7.10 सेकंड पर। लेयर को थोड़ा जूम करना है, वीडियो क्लिक करना है और स्प्लिट पे क्लिक करके आपको स्प्लिट कर लेना है। तो हमारा वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। यहाँ सेकंड वाले वीडियो पर क्लिक करना है और डिलीट पर क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। यहाँ एंड में आपको ब्लैक लेयर भी डिलीट कर देना है, तो इस पर क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। इसके बाद में आपको खुद का वीडियो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो पर आना है और यहाँ से आपको अपना खुद का वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है, उसी वीडियो पर क्लिक करना है और इसमें फालतू पार्ट है वो आपको डिलीट कर देना है। जैसे कि मैं इसमें यहाँ लास्ट में डिलीट कर देता हूँ। जहाँ पर भी आपको डिलीट करना है वहाँ पर आना है, स्प्लिट पर क्लिक करना है और जिस भी पार्ट को डिलीट करना है उस पर क्लिक करना है, डिलीट कर देना है। स्लोमो ऐड करना है इसमें, तो फिर से उसी वीडियो पर क्लिक करना है, स्पीड पर आना है या रेगुलर में, और आपको इसे माइनस में रख लेना है अपने हिसाब से। तो वीडियो में स्लोमो ऐड हो चुका है, राइट पर क्लिक करना है, एफएक्स पर आना है आपको और आपको इसमें जूम इन वाला एफएक्स ऐड कर लेना है। एफएक्स ऐड करने के बाद में राइट पर क्लिक करना है, 7.10 सेकंड पर आना है और यहाँ टैप टू ऐड स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो पर आना है और आपको इसमें स्काई चेंज वाला वीडियो एडिट कर लेना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे भी डाउनलोड कर लें। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में आपको इसे थोड़ा जूम कर लेना है कुछ इस प्रकार और यहाँ ऊपर आपको इसे सेट करना है और इधर नीचे स्क्रॉल करना है, मास्क वाले ऑप्शन पर आना है, लीनियर पर डबल टैप करना है और आपको एरो से इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है कुछ इस प्रकार। तो वीडियो में इसका चेंज हो चुका है, राइट पर क्लिक करना है, स्टार्टिंग में आना है। इसमें ऑडियो साउंड ऐड करने के लिए यहाँ टैप टू ऐड म्यूजिक पर क्लिक करना है, म्यूजिक पर आना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर आना है और आपको फिर से इसमें वही वाला वीडियो एड कर लेना है जो स्टार्टिंग में आपने ऐड किया था। वीडियो लेने के बाद में आपको इसमें फाइल नेम ऐड कर लेना है कुछ भी, जैसे कि मैं इसमें ब्रोकन कर देता हूँ और ओके पर क्लिक करना है। तो हमारा वीडियो ऑडियो में कन्वर्ट होकर उसी नेम से सेव हो चुका है। यहाँ चूज पर क्लिक करना है, राइट पर क्लिक करना है। अब आपको ऑडियो साउंड के ड्यूरेशन में आना है लास्ट में, और यहाँ वीडियो क्लिक करना है, स्प्लिट पे क्लिक करके आपको स्प्लिट कर लेना है। ऑडियो साउंड के बाद जो वीडियो का ड्यूरेशन है उस पर क्लिक करना है, डिलीट पे क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। तो चलिए हमारा वीडियो कंप्लीट है, मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। सॉरी, आपको ऑडियो साउंड नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो इसी प्रकार आप वीडियो बना सकते हो। अब आपको इसे एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, राइट पर क्लिक करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।